बीसापुर रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, चार की दर्दनाक मौत। नियमितकरण में हो रही देरी से सफाई कर्मियों में बढ़ रहा रोष, संयुक्त मोर्चे की बैठक में बनाई आंदोलन की योजना। जिले के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की सुरक्षा में लापरवाही की घटना से आक्रोश, एनएसयूआई और युवक कांग्रेस ने पुतला दहन कर जताया विरोध। और पीएम और सीएम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले विधायक के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन, फवारा चौक में फूका पुतला। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूँ प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। बीसापुर रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक भीषण हादसे का कारण बना। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवारों में से चार की स्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि लोहे से भरा यह ट्रक भी आगे खाई में जा घुसा। दुर्घटना की खबर पाते ही उमरनाला थाना प्रभारी भूपेंद्र दीवान पुलिस बल और रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक में बुरी तरह फंसे ट्रक ड्राइवर और एक बाइक सवार को जीवित बचाकर जिला अस्पताल भेजा गया। अभी की इस घटना में दो पुरुष और एक बच्ची स्पॉट पर ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गए हैं और जो घायल थे दबे हुए थे तीन लोगों को रेस्क्यू करके स्पॉट की मदद से और यहाँ का आम जनता की मदद से काफ़ी सहयोग रहा, उनकी मदद से अस्पताल पहुँचा दिया गया। कैसे हुआ सर घटनाक्रम, आपको पता मौका है आप क्या देखें? यहाँ पर बताने वालों ने ऐसा बताया दो मोटरसाइकिल और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि इस तरीके का घटनाक्रम यहाँ पर बना। इधर नगर निगम छिंदवाड़ा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी लंबे अरसे से नियमितीकरण की बाट जो रहे हैं। बार बार जारी होने से पहले अटकती सूची और वर्षों का इंतजार अब कर्मचारियों में रोष का कारण बनता जा रहा है। सफाई कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चे की आज संपन्न बैठक में संगठन ने आंदोलन का मन बनाया है। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता,
अभी करो। विद्युतीकरण की कार्रवाई आज करो अभी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। समस्त सफाई कर्मचारी संगठन एवं कर्मचारी महासंघ नगर पालिका द्वारा संयुक्त तत्वधान में मीटिंग रखी गई, जिसमें समस्त नगर पालिका सफाई कर्मचारी संगठन के लोग एवं संयुक्त सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के दारा जी राजपूत की सहमति से यहां पर मीटिंग रखी गई और यह निर्णय लिया गया कि जो हमारे विनीतीकरण की कार्रवाई में विलम्ब किया जा रहा है, अगर वो सोमवार को 2 बजे तक नहीं टांगी जाती है अगर हमारी लिस्ट विनीतीकरण की, तो हमारे समस्त कर्मचारी मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और बुधवार से काम बंद हड़ताल की हमारी इस तरीके से मीटिंग की गई है, जो काम बंद हड़ताल बुधवार से किया जाएगा। और हम जब जनता से आवेदन करेंगे कि जो उनको परेशानी होगी उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और समय रहते हमारी नगर पालिका प्रशासन से निवेदन है कि वो तत्काल सोमवार को 2 बजे तक विनीतीकरण की लिस्ट टांगे और अनुकंपा की जो कार्रवाई उसको भी विलंब किया जा रहा है उसका भी निर्णय समय पे करें। जिला एनएसयूआई के युवाओं में 15 दिसंबर की घटना को लेकर खासा आक्रोश है। मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोषी पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज प्रशासन का विरोध करते हुए पुतला फूंका। जो एक हरकत बहुत ही खराब हमारे बीच छिंदवाड़ा शहर में हमारे माननीय सांसद महोदय के साथ की गई, कल हमने एनएसयूआई द्वारा और संपूर्ण कांग्रेस द्वारा एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया, पर यहाँ निकम्मी सरकार और उनके बाशिंदे पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी तरह का कोई एक्शन उन अपशब्द कहने वालों और उस पुलिस वाले के खिलाफ नहीं किया गया, जिसके अंतर्गत आज फिर हम लोगों ने एनएसयूआई बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर स्थानीय फवारा चौक पर पुलिस प्रशासन का तथा प्रशासन का पुतला फूंका। हम चाहते हैं, गृह मंत्री का पुतला इसलिए फूंका गया, हम चाहते हैं कि उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना हम और जितना समय अधिक होता जाएगा उतने अग्र हम लोग होते जाएंगे। इधर युवक कांग्रेस की मांग है कि 15 दिसंबर को जिले के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की सुरक्षा में चूक एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, लिहाजा मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा कराई जाए। जांच टीम के गठन में देरी युवाओं में आक्रोश का कारण बन रही है। माननीय सांसद माननीय कमलनाथ जी के ऊपर एक रत्नेश पवार नाम के आरक्षक ने बंदूक तान के गोली फायर करने की कोशिश की, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। वो आज बाल जो 48 घंटे हो चुके वो बाल बाल बचे, उसमें शिवराज सिंह और सिंह चौहान और गृह मंत्रालय से 48 घंटे होने के बाद भी किसी प्रकार से सीबीआई जांच कमेटी बैठाली नहीं गई और पुलिस प्रशासन से भी किसी ऐसी कमेटी को गठित नहीं किया जिससे वो आरक्षक पर कार्रवाई की जा सके। हमारे जिले के लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी जो हमेशा जनहितैषी नीति के आधार पर किसानों और आम व्यक्तियों मजदूरों सभी व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं, उनको गोली मारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में आज युवक कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया है और शिवराज सिंह चौहान और ये मुख्य कुंभकर्णी नींद में सोई हुई प्रशासन से हमारा विरोध है। यदि
माननीय कमलनाथ जी पर जिन्हें गोली दाना है और जो जिला प्रशासन की जो कमेटी उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बनाई गई थी, यदि वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में पूर्ण जांच नहीं करवाती है तो युवक कांग्रेस इसके लिए उग्र प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी, छिंदवाड़ा बंद करवाएगी। पांडुर्णा विधायक द्वारा अपने भाषण में पीएम और सीएम के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा से खिन्न और आक्रोशित भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज उग्र प्रदर्शन करते हुए फवारा चौक पर पुतला दहन किया गया। युवा मोर्चा द्वारा यहाँ कांग्रेस के पांडुर्णा से विधायक जतन उइके जी का पुतला जलाया गया। कांग्रेस लगातार हर प्रदेश में और देश भर में जनता द्वारा नकारे जाने के कारण और लगातार हार से उनकी हताशा दर्शा रही है, और जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर ने भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कहे थे, दलित जाति का अपमान किया था, और उसी तरीके से लगातार हार से निराश होकर यहाँ पांडुर्णा के कांग्रेस विधायक जतन उइके जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ घोर अपशब्द कहे। इस तरीके के कृत्यों से कांग्रेस के नेता लगातार हो रही हार की हताशा प्रकट कर रहे हैं। जनता कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों का, इस कृत्य को लगातार देख रही है। मेरा निवेदन है कांग्रेसी नेताओं से, यहाँ के सांसद माननीय कमलनाथ जी से, जिस तरीके से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने तुरंत मणिशंकर अय्यर को बाहर किया, कांग्रेस से निष्कासित किया, यहाँ से जतन उइके को भी कांग्रेस से निष्कासन किया जाए। और अगर इस तरीके का फैसला कमलनाथ नहीं ले सकते हैं तो हम राहुल गांधी के पास जाकर और उनको भी पत्र देंगे, उनसे भी मांग करेंगे कि अगर एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के घोर अपशब्द कह सकता है तो क्या आप कार्रवाई करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो युवा मोर्चा इस विधायक का घर का घेराव करेगी, और जब तक वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, युवा मोर्चा लगातार उनका विरोध करते रहेगा और उनके घर का घेराव करके अपनी मांग को पूरी करेगा। प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानी नरेंद्र मोदी जी, और एक बीमारू राज्य से एक विकसित राष्ट्र की मिलाने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर के जो कांग्रेस के विधायक, पांडुर्णा के विधायक जतन उइके जी ने गलत टिप्पणी करी है, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक सांकेतिक रूप से उनका पुतला दहन किया गया है। अगर कांग्रेस के नेताओं की इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी और मोदी जी को लेकर के अगर गलत टिप्पणियाँ आती है, अपमानजनक टिप्पणियाँ आती है, तो युवा मोर्चा द्वारा लगातार अभी आंदोलन चलाए जाएंगे। 16 दिसंबर की शाम पूजा लॉन में वैश्य विभूति सम्मान समारोह वैश्य महासम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उमाशंकर गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। शानदार समारोह में प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष गिरिराज किशोर पोद्दार सहित समूचे प्रदेश से आए गणमान्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। दो सूचनाएं हैं, कृपया ध्यान देंगे, हमारी भावनाएं कृपया समझने की कोशिश करें, मात्र 2 मिनट में अपना वक्त समाप्त करें ताकि हम हमारे वक्ताओं को अधिक से अधिक समय तक सुने ताकि हमें उनका लाभ प्राप्त हो, ये मेरा एक आग्रह है आप सभी से। और दूसरा मैं एक निवेदन करूंगा भाई नितेश जी एवं मनीष बैद मुथा जी से कि हमारी जो वैश्य महासम्मेलन प्रेस की नज़र में जो हमारी गैलरी है उस गैलरी को इस कार्यक्रम की समाप्ति तक के लिए बंद कर दें, ऐसा आदेश इस मंच से हमें प्राप्त हुआ है, तो वहाँ के लाइट्स ऑफ करके हमारे सभी सदस्य जो पीछे खड़े हुए हैं समय से हम समाप्त करें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे युवा इकाई के जिला प्रभारी भाई सुदीप जैन जी, जिन्हें सम्मानीय मंच एवं की
आजीवन तन मन धन से हमारे समस्त युवा इकाई, धर्मेंद्र साहू जी महामंत्री युवा इकाई, शैलेन जैन जी, मनमोहन चांडक जी, विशाल माहेश्वरी जी, राजेश जैन जी एवं तहसील स्तर पर हमारे अन्य सभी युवा साथियों की ओर से वैश्य एकता, जैसे ही मैं बोलूं तो पूरे मनोयोग से जिंदाबाद लगा करके उपस्थित सभी वैश्य बंधु मातृशक्ति का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वैश्य महासम्मेलन के माध्यम से जो 370 घटकों को जोड़ने का आपने जो काम किया है, वाकई में वो एक बहुत ही अविश्वसनीय और बधाई का कार्य है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे घटकों को वो सम्मान नहीं मिल पाता था, जिन्होंने आपने जोड़ करके उन्हें सम्मान दिया है तो उससे देखा जाता था। लेकिन आपने बताया है कि वैश्य एकता में जो ताकत है उनको जोड़ करके वो आपने अनूठा कार्य किया है कि हम वैश्य महासम्मेलन के माध्यम से जो हमारे छिंदवाड़ा जिले की वैश्य महासम्मेलन की एक परंपरा है, एक रिवाज है कि हम प्रतिवर्ष हमारे वैश्य समाज से, हमारे वैश्य महासम्मेलन से हमारे वैश्य समाज के वरिष्ठ जन का सम्मान करते हैं और वैश्य विभूति के पद से उन्हें नवाजा जाता है और उसके बाद समाज के लिए सेवा करना भूल जाते हैं। पर राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए उसके ऊपर उतना ध्यान ना देकर कोई यदि समाज सेवा के क्षेत्र में आता है तो व्यक्ति तारीफ के लायक कहलाता है, ऐसे हमारे माननीय उमाशंकर जी गुप्ता गृह मंत्री थे। व्यस्तता इतनी अधिक थी परंतु मन में एक जज्बा था कि वैश्यों को संगठित करना है, क्योंकि उनके चाचा जी आदरणीय नारायण प्रसाद जी गुप्ता के दिमाग में यह बात 1981 में बैठ गई थी कि वैश्यों को संगठित करना आवश्यक है। वर्तमान पीढ़ी जो हमसे पहले के लोग हैं उनके द्वारा जो गलतियां हुई उसका खामियाजा हम लोगों की पीढ़ी ने भोगा, और अगर हम नहीं चेतेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसका खामियाजा भोगेगी। जिसके पास माल है वही लूटेगा, नंगे भूखे को कोई नहीं लूटता। ये इस बात का इंगित है कि हम सबकी दृष्टि में हैं और हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना, हमारी रक्षा हम ही कर पाएंगे। आगे आने वाला समय और खराब है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अगर सुरक्षित करना है तो वर्तमान में संगठित होना जरूरी है। हम अपने कमाई धंधे में लगे रहे, व्यापार में लगे रहे, क्योंकि बनिए का एक तकिया कलाम है, भाई साहब मरने की भी फुर्सत नहीं है, पैसे ले जाओ, सहायता ले लो, लेकिन टाइम मत मांगो। और ये मरने की फुर्सत नहीं है किसके लिए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए कमा कर रख रहे हैं, रखना चाहिए, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी उसका उपभोग कर पाए वो परिस्थिति भी ध्यान में रखना चाहिए। और उस परिस्थिति को बनाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा के लिए संगठन की आवश्यकता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव है कि जो टीम में हमारी प्रदेश की बैठी है, आपने अनेक वक्ताओं को सुना है, ये बड़ा क्रीम है मध्य प्रदेश के वैश्य समाज का, जिनके मन में पीड़ा है, लगे हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हैं। विगत 3 या 4 वर्ष की अभी आजीवन सदस्य के नंबर है, मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाकर आज के हमारे इस कार्यक्रम का विमोचन समारोह का अभिनंदन करेंगे। और हमारी दूसरी पत्रिका वैश्य विहान पटनी एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी पटनी के परिवार में हुआ, शिक्षण लिया, आप छिंदवाड़ा नगर पालिका के 1970 से 75 तक उपाध्यक्ष रहे, आवास पर्यावरण उद्योग खनिज एवं वाणिज्यिक तथा विद्युत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं 1989 में राज्य अभिमान निगम अध्यक्ष के रूप में सर्वोत्तम काम किया। इस समय धार्मिक स्थलों के लिए भोपाल इंदौर से नियमित बसों का संचालन कराया, समाचार रोटरी क्लब मैसानिक लॉज मुक्तागिरी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य किया, वर्तमान में आप जैन राजनीतिक चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष एवं महावीर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं। सुदीप जैन,
श्री रमेश चंदी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आनंदमती जैन के सुपुत्र श्री सुदीप जैन जी का जन्म एमएड पीजीडीटी कर वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर प्रस्त है। सम्मेलन युवा इकाई के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान में जवान सदस्यों को निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती रहे इस उद्देश्य के तहत सीजीएम भैया हाँ एक मिनट ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात है और हम सब भी गौरवान्वित हैं आपका आपकी कर्मठता का ये सम्मान करते हुए और हम सबके आग्रह को आपने स्वीकार किया है उसके लिए भी मैं आदरणीय विजय झांझरी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमारा ये सब भावनाओं के अनुसार ये सम्मान स्वीकार किया है। एक मिनट पकड़ लीजिए तो यस आत्मीयवाद निश्चित रूप से आदरणीय विजय भाई साहब। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। संतोष कैटर यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छोटी बाजार शहर की सघन बस्ती कसारी मोहल्ले में 16 दिसंबर की रात एक परिंदे पर भारी गुजरी। पेड़ पर छाया था चाइना जाल जो उसके जी का जंजाल बन गया, लेकिन उसकी सुबह जिस इंसान के आंगन में हुई वह रहम दिल निकला। यह परिंदे की खुशकिस्मती थी। आज इंसान को सारी धरती कम पड़ रही है। पैदावार बढ़ाने के नाम पर कीट पतंगे मारे जा रहे हैं तो दूसरी ओर लगातार जंगल कट रहे हैं। ऐसे में धीरे धीरे कल तक का हर सुलभ जीव दुर्लभ श्रेणी में आता जा रहा है। ऐसे में छोटी बाजार शहर की सघन बस्ती कसारी मोहल्ले में बेचारा परिंदा पेड़ पर चाइना के मांझे में उलझा। सारी रात फड़फड़ाने के बाद किस्मत अच्छी थी जो मालवी परिवार के आंगन में आ गिरा। सुबह राकेश मालवी ने उसे सुरक्षित तरीके से मांझे के जाल से मुक्त कराया और साथ ही वन विभाग को सूचित किया। गौरतलब है कि आउल प्रजाति के ये बड़े डैने वाले परिंदे अब कम ही दिखाई देते हैं। इस परिंदे की खुशकिस्मती थी कि रहमदिल इंसानों के हाथ आया और सुरक्षित जंगलों तक छोड़ा गया। पैर में धागा लपटा हुआ था उसके। तेरी घर जाएगा। तेरी घर जाएगा। क्रिसमस पर्व की खुशबू मौसम की हवाओं में है और बच्चों की मुस्कुराहट में ईश्वर का संदेश भी। क्रिसमस पर्व की खुशियां लेकर निर्मला पब्लिक स्कूल के बच्चे आज जिला जेल पहुंचे तो कैदी भाइयों के चेहरे भी खिल उठे। परिवार के कुछ सदस्य हैं जो आज आपके बीच में आए हैं। हमारे बीच में हमारे स्कूल की सिस्टर मैनेजर सिस्टर प्रनीता हैं, सिस्टर प्रिंसिपल हैं। आपको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें यहाँ आने का अवसर दिया। चाहती हूँ कि यहाँ हमारे आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। उम्मीद करती हूँ आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना होगा, है ना, जीसस क्राइस्ट का नाम सुना होगा। तो उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या था और आने वाले कुछ दिनों में हम उनका जन्मदिवस मनाने वाले हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, बड़ा दिन कहने
हम उसको हिंदी में आया मसीहा शांति शब्द दो अक्षरों से बना है शा और थी शांति, लेकिन ये शांति का बहुत 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 गहराई से वो हर इंसान इसके लिए तड़प रहा है शांति के लिए। और ये शांति का संदेश ईश्वर लेकर आया है, यही संदेश हम आपको देना चाहते हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि नववर्ष के उपलक्ष्य में निर्मला पब्लिक स्कूल द्वारा आप लोगों के बीच में आया और समाज से आप सभी को जोड़ने का जो एक यह निर्मला पब्लिक स्कूल द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, तो मैं इसके लिए सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आप लोगों के बीच में आया और मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2017 जा रहा है और 2018 आ रहा है, तो यही मान के चलिए कि हमारा बुरा समय चला गया, अब हमारा अच्छा समय आ गया। जो हुआ है, जो समय गुजरा है, उसको हम याद करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। और पुराना सोचो, चाहे पुराना अच्छा भी सोचोगे तो मन दुखी होगा। इसलिए पहले कहा गया है कि हमेशा हम भविष्य को सोच करके चले, भविष्य के बारे में तय करें, जो होगा था वो हो गया। क्योंकि वाकई ये बहुत खुशी का दिन कि बहनों ने अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया। प्रभु ईसा मसीह के संदेशों से आपको अवगत कराया। निश्चित तौर पे प्रभु ईसा मसीह के संदेश जीवन के आदर्श हैं। उन्होंने कैसे स्वयं तकलीफ सह के समाज को एक नई दशा और दिशा दी, ये अनुकरणीय है। विराट विश्वकर्मा महासभा द्वारा आज श्री राम मंदिर छोटा बाजार में विश्वकर्मा पुराण के आयोजन के अवसर पर हवन अनुष्ठान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र आहुतियां डाली। इधर जिला एमएचओ और वॉलीबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबले आज खेले गए। महिला वर्ग में ग्वालियर संभाग ने तो पुरुष वर्ग में इंदौर संभाग ने चैंपियनशिप जीती। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। आगे। 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 आगे।
फाइनल मैच जीत गई इंदौर जोन वर्सेस आरसीबी भोपाल। अखिलेश जर्सी नंबर 10 ऋषभ गुर्जर कैप्टन ऑफ द टीम, जर्सी नंबर 17 शुभम अन्य रेफरी राम भोपाल। मैच शुरू होने जा रहा है। जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा जवाब बिल्कुल छाप दिया वहां सुंदर ब्लॉक। मैच हेड कॉन्टैक्ट फॉल्ट यहां पर नहीं तो ये 11:30 अंक मिला भोपाल। अमित महानगर ने बराबरी कर ली। दिसंबर का दिन युद्ध इतिहास में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत के लिए याद किया जाता है, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेके थे। विजय दिवस के अवसर पर धर्म जागरण समन्वय समिति द्वारा शहीद स्मारक पर देश के वीर सैनिकों की शहादत और वीरता को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। विजय दिवस के उपलक्ष्य में धर्म जागरण समन्वय विभाग के द्वारा भारत माता की एक महाआरती का आयोजन शहीद स्थल पर किया गया है, जिसमें सभी हिंदुस्तानी संगठन हिंदुत्ववादी हिंदू विचारधारा से संबंधित संगठनों के सभी सदस्यों ने भाग लिया है और आज का यह आयोजन भारतीय सेना के पराक्रम का अनुपम उदाहरण है। पूरे विश्व में इसके जैसा कहीं उदाहरण नहीं है, क्योंकि आज भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण 93,000 सैनिकों के द्वारा आत्मसमर्पण भारतीय सेना के साथ किया सामने किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में यह विजय दिवस मनाया जाता है और भारत पाकिस्तान का एक विभाजन करके बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण भारतीय सेना और भारत राज्य द्वारा किया गया था। इधर विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिरडी साई बाबा मंदिर स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज सच्चिदानंद सेवा समिति के तत्वावधान में श्रद्धालु भक्तों ने बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली। हेलो हेलो आप कुछ दूर तक शोभा यात्रा में चले पूजन अर्चन आप Yeah!
गुलाबरा में जारी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ स्थल पर आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई गई। इस अवसर पर भक्तों ने प्रभु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। समाधि लगाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और आज ब्रह्मा जी से वरदान की प्राप्ति कर ली। ब्रह्मा जी ने भी आकर वरदान दे दिया। शांति अंदर के डर गया और जैसे ही अपने के चला तो ऊपर देवताओं ने पंचायत बैठा पंचायत बैठाई और आकाशवाणी करा दी कि हुई है आकाशवाणी, सुन ले भूपाल ने सुना। जल्दी से कंस राजा ने घोड़ों की बागडोर को छोड़ दिया। वहां पर भगवान का वस्त्र अवतार हो गया और यहाँ पर जैसे ही कंस राजा ने वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप तो सूर भी हो और सूर वीरों को ये सोमवार नहीं देगा किसी नारी के ऊपर आक्रमण करे। कंस राजा ने कहा, वसुदेव तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले, महाराज आकाशवाणी। कंस राजा ने कहा, लेकिन आकाशवाणी ने जो कहा उसका क्या? तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। सिटी हलचल की सुर्खियां, आप चलते चलते एक बार फिर रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। बीसापुर रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, चार की दर्दनाक मौत। नियमितकरण में हो रही देरी से सफाई कर्मियों में बढ़ रहा रोष, संयुक्त मोर्चे की बैठक में बनाई आंदोलन की योजना। जिले के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की सुरक्षा में लापरवाही की घटना से आक्रोश, एनएसयूआई और युवक कांग्रेस ने पुतला दहन कर जताया विरोध। और पीएम और सीएम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले विधायक के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन, फवारा चौक में फूका पुतला। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।